Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. दबंग 3 जिस तेजी से प्रोग्रेस कर रही है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म धमाका करने वाली है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रभु देवा, जिन्होंने कई साल पहले फिल्म वांटेड में सलमान खान को डायरेक्ट करके उनके करियर ग्राफ की दिशा ही बदल दी थी। तो अब जो वो सलमान खान को इस फिल्म में डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो सभी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। इसलिए प्रभु देवा ने अपना बेस मुंबई शिफ्ट कर लिया है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। पहला बात करते हैं फिल्म के बजट की, तो सूत्रों के अनुसार इस फिल्म का बजट भी दबंग 1 और 2 से काफी ज्यादा है और इस बार प्रोड्यूसर अरबाज खान ने इस फिल्म के लिए 175 करोड़ का एस्टिमेटेड बजट बनाया है और इस फिल्म के विलन हैं साउथ के मशहूर एक्टर किच्चा सुदीप और उनके ऑन बोर्ड आने से सलमान खान की ये फिल्म साउथ में भी पॉपुलर होगी। तो ये भी फिल्म की सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब तक फिल्म का हर पहलू लार्जर देन लाइफ है और ऐसे में फिल्म का गाना भी दमदार ही होगा और इसलिए फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए 500 बैकग्राउंड डांसर्स को भी हायर किया गया है। दबंग 1 और 2 की तरह इस फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा, लेकिन सलमान ने अपने फैंस के लिए दबंग 3 में एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया है जो पहले किसी ने भी सोचा नहीं था। वाओ, अब दबंग 3 को लेकर इतनी अमेजिंग बातें जानने के बाद हमें यकीन है कि ये फिल्म अपने पिछले इनिंग से काफी ज्यादा दमदार होगी, है ना।